दोस्तों, मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूँ। मेरे साथ सोनम सेठी जुड़ी हुई हैं दिल्ली से, और वो कुछ खबर बताना चाहती हैं कि उनका वीजा का एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गई। मेरे को तो याद नहीं है एक्चुअली, लेकिन उन्होंने कंसल्टेशन दी थी। और आजकल जब काफी सारे एप्लीकेशन फंसी पड़ी हैं और वीजा नहीं आ रहा है, तो दिस इज अ वेरी स्ट्रांग एंड गुड गुड न्यूज। देखते हैं उनका क्या केस था और कैसे वीजा लगा। सोनम, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस यस आई कैन हियर यू क्लियरली। थैंक यू वेरी मच। क्या है आपका बैकग्राउंड, कैसे वीजा लगा, बताएं जरा। कि स्टडी वीजा विद फैमिली लग गया है, अकेले लगा है? हाँ, इट इज स्टडी वीजा विद फैमिली अच्छा एंड इन अच्छा फर्स्ट गो। लाइक वी अप्लाइड ऑन 24th मार्च एंड वी टुक योर कंसल्टेशन आई थिंक अराउंड 18th or 19th of March एंड देन वी अप्लाइड ऑन 24th of March एंड टुडे वी गॉट द PPR। ओके गुड। ये बताएं कि आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट दिस। आपका आपका बैकग्राउंड क्या है? अच्छा, तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ। एक्चुअली मैं हूँ टीचर एंड आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम लाइक पास्ट 10 ईयर्स और आई हैव कंप्लीटेड माय एजुकेशन इन 2013। तो उसके बाद अभी मेरे पास 7 to 8 ईयर्स का स्टडी का गैप है, बट आई हैड दिस एक्सपीरियंस। सो वी वर लुकिंग फॉर अ कॉलेज एंड अ यूनिवर्सिटी एंड देन वी फाइनली गॉट अ यूनिवर्सिटी एंड आई गॉट थ्रू इट क्योंकि मेरा आईएल्स स्कोर वॉज रियली गुड एंड वी अप्लाइड एज अ फैमिली। माई हजबेंड इज ऑल्सो वर्किंग, ही इज इन अ गुड एमएनसी एंड वी आर वेल सेटल्ड हियर। सो वी अप्लाइड ऑन 24th of March एंड देयर मेडिकल, मी माई हजबेंड्स एंड माई डॉटर्स मेडिकल गॉट क्लियर्ड अराउंड आई थिंक अराउंड 15th or 16th of May, बट देर वॉज नो रिस्पॉन्स ऑन माई मेडिकल। जी फिर उसके बाद हमने बहुत देर हमने वेट करा कि मेडिकल अपडेट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हमने यूट्यूब वीडियो से एक से पता चला था कि कभी कभी हॉस्पिटल में भी डिले हो जाता है। और फाइनली जब हमने हॉस्पिटल में कॉल किया तो एक्चुअली डिले वहीं से हुआ था और वो बोल रहे थे कि आपका जिस दिन हम अपडेट कर रहे थे कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो अपडेट नहीं हुआ। तो उन्होंने 24th जुलाई को मेरा मेडिकल अपडेट किया। उसके बाद फिर 24 जुलाई के बाद आज फाइनली हमारा PPR आ गया। इट वॉज अ लॉन्ग वेट बट इट वॉज वर्थ इट क्योंकि हाँ जी हाँ जी ये बताएं कि आपने आप बताना चाहते हैं कि आपने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया और इंडिया से क्या किया आपने? हाँ, मैंने इंडिया में करा था BA और BEd और अभी मैं कर रही हूँ थंडर बे में लेखर यूनिवर्सिटी से MEd। तो मास्टर्स इन एजुकेशन विच इज रिलेटेड टू माई फील्ड ओनली बिकॉज आई एम अ टीचर। तो MEd इट जस्ट करस्पॉन्ड्स विथ माई BEd। सो माई कोर्स इज वेरी मच रेलिवेंट टू वॉट आई हैव चोजन। लेकिन तो आपने आपने इंडिया में मास्टर डिग्री नहीं करी है? नहीं, मैंने सिर्फ बैचलर्स BEd किया हुआ था और MEd के लिए मैंने ये अप्लाई किया था। अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मेरे पास काफी टीचर आती हैं जिन्होंने ऑलरेडी एमएड कर रखी है इंडिया से, और वो फिर वो मेरे से कहती हैं कि मेरे को मास्टर्स करनी है, तो हम मुश्किल में पड़ जाते हैं कि एक बार मास्टर्स आपने कर ली, दोबारा मास्टर्स में कहाँ आपको कौन सी एजुकेशन कौन सी लाइन में डालें। तो आपके पास तो बीएड था और सीधे एमएड भी जा रही है, तो बहुत अच्छा एक प्रोग्रेसिव एक पाथ बनता है आपका। दैट्स अ गुड आइडिया। और आपके हस्बैंड भी जॉब करते हैं होपफुली? हाँ, ही इज ऑल्सो वर्किंग, ही इज इन MNC जी और यस ही हैज बीन ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम लाइक लास्ट 10 ईयर्स। जी और बच्चे आपके कितने? दो? एक? हाँ, मेरी बेटी है 6 साल की। 6 साल की? अच्छा, तो तीनों तीनों के एप्लीकेशन की कट्ठे लगाई आपने। और बहुत सारे जो कंसल्टेंट जो इंडिया में कहते हैं, अरे अकेले लगा लो पहले, फिर देखी जाएगी, बाद में देखेंगे, तो उसके बारे में हम लोग की जो पहले से सोच, आपको अगर याद होगा तो मैंने कभी नहीं कहा कि आप अकेले लगाएं, आपको यही कहा होगा कि इकट्ठे लगाएं। और हाँ, ये तो मैं बोलूंगी ये बहुत बड़ा स्कैम है इंडिया में ये कंसल्टेंट्स का। और हमने शुरू से ही किसी कंसल्टेंट के थ्रू नहीं गए क्योंकि जिससे भी पूछते थे वो बोलते थे इकट्ठे तो आप जा ही नहीं सकते, पहले आप जाओ फिर 6 महीने बाद आपके हस्बैंड आएंगे। फिर देन वी स्टार्टेड वॉचिंग योर वीडियोज। तो हमें लगा कि नहीं, आप एडवाइस करते हो कि आप अपनी फैमिली के साथ जाओ। फिर जब आपसे कंसल्टेशन किया तब भी आपने बोला कि नहीं, आपने लगाना तो एक साथ ही है। और आपने हमारे SOP में बहुत ज्यादा हेल्प करी थी। जैसे आपने बोला था हमारा SOP वाज एग्जैक्टली व्हाट यू सेड एंड आई थिंक इट रियली मेड अ डिफरेंस टू आवर एप्लीकेशन। तो हमने इकट्ठे लगा।
एसओपी की भी कोई गुण बता दें, क्या क्या एसओपी में आपका, डोंट टेल मी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, बट क्या क्या मेजर चेंजेस क्या क्या करने पड़े वो बता दें। मेरा एसओपी जो मैंने आपको, आपको तो शायद याद नहीं होगा, पर जो मेरा एसओपी था वो बहुत ही ड्रामेटिक और इमोशनल करके मैंने बनाया हुआ था, 5-6 पेजेस का। जी और मैंने अपनी कंसल्टेशन में आपसे पूछा कि आपने मेरा एसओपी पढ़ा है। मैंने आपसे 2-3 बार पूछा था, पर आप भी शायद उस टाइम नहीं बता रहे थे कि आपने पढ़ा तो हुआ था, पर आप नहीं बता रहे थे क्योंकि यू न्यू कि इट वॉज नॉट अ वैलिड एसओपी। तो फिर आपने फाइनली बोला कि वो एसओपी मैंने पढ़ा है, आपको वैसे नहीं बनाना है। और फिर आपने मुझे 5 क्वेश्चंस दिए, उनके इजी मतलब 2-3 लाइंस में आंसर। तो फाइनली मेरा एसओपी 1 सवा पेज का बनाया मैंने, वेरी शॉर्ट क्रिस्प और टू द पॉइंट, और इट वाज नाउ लाइक वी गॉट थ्रू। मेरे ख्याल तो एसओपी की तलवार काम कर गई। इसका मतलब एसओपी में एक्चुअली क्या है, मैं हमेशा मानता हूँ कि एसओपी, हर एक इंसान का अपना अपना सोचना है, मैं मानता हूँ कि एसओपी ही आत्मा है इस एप्लीकेशन की। और एसओपी में अगर कुछ जो पढ़ता है एसओपी में उसको अगर एक आध लाइन क्लिक कर जाएगी तो वीजा एकदम से ईजी हो जाता है देना उसके लिए। और एसओपी में कोई ओवर ड्रामेटिक या कहानी या कोई ऐसे कोई ओवर फ्लोइंग कि कनाडा इज ए ब्यूटीफुल कंट्री, आई लाइक योर कंट्री, ऐसे कोई लिखोगे तो उल्टा सीधा पड़ जाता है वो, कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता। तो एसओपी मैं जो देखता हूँ 99.9% जो इंडिया से एसओपी लिखते हैं वो ऐसे ही लिखते हैं, ओ कनाडा इज अ लवली कंट्री, आई विश टू कॉन्ट्रीब्यूट टू कनाडा, ऐसे उल्टी सीधी बातें लिखते हैं वो, पता नहीं लगता है कि इसे कॉपी पेस्ट किया हो किसी। हाँ, नहीं, हमारा एसओपी भी शुरू में कुछ ऐसा ही था, पर देन जो फाइनल हमने बनाया इट वाज टू द पॉइंट, व्हाई वी वांट टू कम, व्हाई हैव वी चोजन दिस कोर्स एंड आर एसेट्स हियर। अभी एकदम मुझे पूरा तो याद नहीं है, पर दीज आर, आई थिंक दीज वर द मेजर पॉइंट्स दैट वर देयर इन द एसओपी। ठीक है, चलो बड़ी खुशी हुई आपसे ये जान के कि आपका, और समटाइम्स आई लाफ एंड समटाइम्स आई थिंक आई मे बी डूइंग द राइट थिंग बिकॉज आई एम चार्जिंग अ बेसिक कंसल्टेशन फीस, और उससे आगे तो मैंने आपकी एप्लीकेशन करी भी नहीं, और मैंने आपको भी कहा होगा अपने आप करो, आप शायद करा आपने। हाँ, नहीं, दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट यू अमरजोत जी। आप जैसे, हम किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, पहले वो बोलते हैं हमारी इतनी फीस है और फिर आप हमारे थ्रू अप्लाई कीजिए। हमने आपके पास बस इनिशियल कंसल्टेशन करी थी और आपने हमें बोल दिया था आप अपने आप करो, आपका केस कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं लगता है, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको फिर गाइड करूंगा। आपने फर्स्ट कंसल्टेशन में इतना अच्छा मेंटर किया था, इतना अच्छा गाइड किया था कि उसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। Yeah, it's a good win-win situation actually. You don't waste a lot of money because instead of paying thousands of dollars to somebody, or maybe they will make some mistake or maybe they will not know and you get a refusal. It's such a ये है कि आप you spend $375 and that's what it does. Yes. That's अच्छा, you spend a Yes. basic flat fee. You are in control of your own application and you are successful. I'm greatly excited actually about your success, and what it tells me is that I am doing the right thing and I'm on the right path so that people are getting successful. एक चीज मेरे को आपसे अभी पूछी नहीं मैंने आपसे, ये आपने फंड्स कितने दिखाए हैं पूरी फैमिली के लिए विद आफ्टर पेइंग जीआईसी एंड एंड द ट्यूशन फीस। After paying GIC and my fees, I think we have shown around 8 to 9 lakhs. लोगों को विश्वास नहीं होता, आज की डेट में भी विश्वास नहीं होता कि फैमिली का कैसे लग जाएगा। मैं एक्चुअली केसेस आजकल मेरे पास मिडिल ईस्ट से केसेस काफी इंक्वायरीज हैं, जैसे आपकी दुबई से, सऊदी से, कुवैत, मस्कट से, जो फैमिलीज के साथ जाना चाहती हैं, बोला मतलब के मतलब के नॉट अलोन, जैसे हस्बैंड वाइफ, फिर 2 बच्चे हैं, किसी के 6, किसी के 4 सर बच्चे भी हैं, तो वो सारे जाना चाहती हैं और दे आर ऑलवेज फेसिंग अ प्रॉब्लम कि भी हम एक अकेले नहीं जाना चाहते। तो इट्स नहीं, ये तो बहुत ही गलत गाइड करा जाता है यहाँ पर, कि वो आपको शुरू में ही बोल देते हैं यहाँ पर इंडियन कंसल्टेंट्स की फैमिली के साथ तो होता ही नहीं है, आप अप्लाई ही नहीं कर सकते एक साथ में, कितने तो यही बोलते हैं। सो दे रियली मिसगाइड। इट इज नॉट अबाउट द मनी दैट यू स्पेंड, बट इफ यू आर स्पेंडिंग समथिंग देन यू शुड बी गिवन लाइक प्रॉपर गाइडेंस विच इज लाइक इन रियल। अब ये मिसगाइड करना तो
कोई मिसगाइड करने के पैसे नहीं देता ना कंसल्टेंट्स को, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट यू आई वुड से। एक्चुअली चक्कर मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ। देखो क्या है कि अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हो ना, आपकी छोटी सी बीमारी हो, आप 10 डॉक्टर के पास जाओगे तो हर एक अपना अपना ओपिनियन बताएगा। अब ये नहीं कह सकते आपके पास कि वो मिसगाइड कर रहे हैं या उनको नॉलेज नहीं है। उन्होंने भी MBBS करी है, वो भी वहीं से सिस्टम से निकल के आए हैं, लेकिन अपना अपना एक नजरिया है, सोच का एक तरीका है, ओपिनियन है, या जो भी उनका सक्सेस रहा वैसे उसके हिसाब से बता रहे हैं। तो चाहे चाहे कंसल्टेंट चाहे कनाडा का हो चाहे इंडिया का हो, जिसको जैसा जितना जितना पता है वो उसके हिसाब से बोल रहा है। God has been very great on and you know advantage and lucky for me in telling me the right client for the right situation. क्योंकि मेरे पास जितने भी जैसे family visas आए हैं, जैसे families मतलब जैसे आपका है, तो उनके I mean barring nobody can have a successful 100% track record, किसी का नहीं हो सकता, but majority of my family cases were successful and continue to be successful, and so that's why it puts a great faith on my belief ke bhi families ko ikhatta hi karna chahiye, barring agar koi problem hai. Kai baar mere paas ek aadh family hai, abhi I cannot take the names on publicly, mere paas kuch families hain India mein jinka nahi laga, wo kis wajah se, wo alag reason hai ki kis wajah se nahi laga, to unka hame break karke hame karna padega, that means alag alag karke karna padega, aur depending on bhi kya uske andar hai, barikiyan hai, lekin generally on in general I prefer के, अब जैसे फर्ज करो अगर मैं किसी फैमिली का केस कर रहा हूँ, वहां भी वो टीचर है और उसने भी ऑलरेडी BA, BED, MED कर रखा है और दोबारा से MED में जा रही है, तो चाहे तो फैमिली के साथ करे चाहे उनके पास कितना पैसा है, उनका वीजा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो रिपीट कर रही है पोस्ट ग्रेजुएट। पर आप में तो बिल्कुल ही एक आपने तो छक्का ही मार दिया बुबला, जैसे कि आपने BED के बाद MED जा रहे हैं तो आपका तो बिल्कुल ही क्लियर, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो अब लेकिन उस केस में जहां पर ऑलरेडी वो एमएड करने के बाद दोबारा एमएड करने जा रही है, मतलब दोबारा पीजी करने जा रही है, उसमें मेरे को क्योंकि ऑलरेडी वो अगर एक बार रिफ्यूज हो गया तो उसको मेरे को अब स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। सो एज ऑलवेज एज यू कैन नो के ईच पेशेंट रिक्वायर्स डिफरेंट मेडिसिन। यस ट्रू। चलो थैंक यू। हे थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम टू कॉल एंड आई एम happy about your success and I wish you all the best in Canada whenever you arrive in Canada. Thank you so much. You were the first person I messaged in morning just after receiving that mail, so it really means a lot to us and we really thank you from the bottom of our hearts, both of us. Thank you. Take care. Goodbye. Thank you. Bye.